तो महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ और उससे जुड़े सभी रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि यह वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ऋग्वेद के सातवें मंडल, यजुर्वेद के तीसरे अध्याय तथा अथर्ववेद के चौदहवें छंद में दिए गए इस मंत्र का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला, द ग्रेट प्रेयर फॉर विक्ट्री ओवर डेथ। यदि इस मंत्र को अच्छे से समझा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ यह निकल कर आता है कि मैं त्रिनेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करता हूँ जो सुगंधिमय है तथा जो सारे प्राणियों को पुष्टि प्रदान करते हैं। वे मुझे भी अमृतत्व प्रदान करने के लिए मृत्यु से उसी प्रकार मुक्त करें जिस प्रकार ककड़ी का फल अपनी लता के बंधन से स्वाभाविक सहजता से छुटकारा प्राप्त करता है। भारत में प्राचीन समय से ही मंत्रोच्चारण का अत्यंत महत्व रहा है, जो आज के इस आधुनिक युग में भी अपनी ओर पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। संसार में सब कुछ ऊर्जा से बना है और यह ऊर्जा हर समय स्पंदन या वाइब्रेशन की स्थिति में रहती है, यानी कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ तक कि यह पृथ्वी भी लगातार वाइब्रेट कर रही है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्र पूरा करती है तो उस एक वर्ष की फ्रीक्वेंसी 136.10 हर्ट्स यानी 136.10 हर्ट्स निकलती है। आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा नापी गई ओम की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी भी 136.10 हर्ट्स ही पाई गई है। जब हम नेचुरल वाइब्रेशन की स्थिति में होते हैं तब हमारा स्वास्थ्य भी सबसे अच्छा होता है। जब शरीर के कुछ अंग गलत फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं तब ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आने लगती है और यहीं से रोगों की शुरुआत होती है। चूंकि साउंड ही वाइब्रेशंस हैं, इसीलिए मंत्रोच्चारण की फ्रीक्वेंसी से हम इस ऊर्जा के प्रवाह में जो अवरोध आया था उसे दूर कर देते हैं, जिससे प्रवाह पुनः शुरू हो जाता है और हमारे रोग खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि हम मंत्रों की बात कर रहे हैं तो मंत्रों में महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र को कहा गया है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मृत संजीवनी, मतलब जो हमें मृत्यु से भी खींचकर वापस ले आए, मोक्ष मंत्र, रुद्र मंत्र, त्रयंबकम मंत्र आदि। इस मंत्र के निरंतर जप से हर प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है तथा हर तरह के भय, विशेषतः मृत्यु के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है। पुराणों में इस मंत्र को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे महर्षि मार्कंडेय की कथा। माना जाता है कि ऋषि मृकंड ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मृकंड ऋषि को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ऋषि मृकंड को पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा, लेकिन वह अल्पायु था। जब मार्कंडेय को पता लगा कि वह अल्पायु है तो उसने दीर्घायु के वरदान के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जप किया। समय पूरा होने पर जब यमराज मार्कंडेय को लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने का प्रयत्न किया तो स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर यमराज भी कांप गए। महादेव मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु होने का वरदान दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। अवसाद ग्रसित व्यक्ति को जब नकारात्मकता पूरी तरह घेर लेती है तब इसी मंत्र के जप से उसे शांति का अनुभव होता है तथा अमृतत्व भी प्रदान होता है। जो लोग इन तथ्यों को केवल भ्रांति यानी मिथ समझते हैं व जिनका हमारे प्राचीन विज्ञान पर विश्वास नहीं है, उन्हें हम यह बता दें कि दुनिया भर में आधुनिक विज्ञान के बल पर भी कई वैज्ञानिकों द्वारा इस मंत्र तथा इसके प्रभाव पर अनेकों शोध हो चुके हैं। हाल ही में भारत में स्कूली विद्यार्थियों पर हुए शोध से यह प्रमाणित हुआ है कि महामृत्युंजय मंत्र के नियमित उच्चारण से उनकी मेमोरी में सुधार आया तथा उनका ऑडिटरी एवं विजुअल रिएक्शन टाइम भी कम हुआ है, यानी उनकी सतर्कता भी कई गुना बढ़ गई। यह भी कई प्रयोगों में देखने को मिला है कि मंत्रोच्चारण से ब्रेन में डेल्टा वेव्स विकसित होती हैं, जिससे हमारे शरीर की ठीक होने की क्षमता बढ़ती है और हमें आंतरिक शांति की अनुभूति होती है।
इस समय दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोमा मरीजों पर यह शोध किया जा रहा है कि महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण से मरीजों की सेहत में किस प्रकार से सुधार आता है। तो आइए आज ही से हम सब महामृत्युंजय मंत्र के नियमित जप को शुरू करते हैं और अपने अंदर आए परिवर्तन को एक्सपीरियंस करते हैं। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप पहले से करते आ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और योग और आयुर्वेद से जुड़ी वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।